हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर आपने ये चैप्टर ज़रूर इसकी वीडियोस देखी होंगी, अटेंड किया होगा, और अगर नहीं किया है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर ज़रूर विजिट करें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशंस ऑफ, हमें पता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के सोल्यूशंस जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो कौन से इफेक्ट्स आते हैं, केमिकल इफेक्ट्स। इफ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बताइए कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे ही जो है जो कॉपर 2+ आयंस है वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो 2 पॉजिटिव है और बैटरी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो देयर फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, हम ये पढ़ चुके हैं एक मेटल पे दूसरे मेटल का एक लेयर डालना, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। So next is, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you give the reason? तो अगर magnetic needle deflect हुई, यानी कि electric current flow हुआ, because electric current जो है वो magnetism produce करता है, वो जो matchbox था वो coil की तरह act करने लग गया, क्योंकि उसके ऊपर wire हमने ऐसे करके coil करी हुई थी। तो इसी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी कि जो हमने चीज़ टेस्ट करी, जो सब्सटेंस हम टेस्ट करे थे, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रूफ हो गया, सर्किट इज कंप्लीट एंड इट विल बी कंप्लीटेड ओनली इफ सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। नेम द 3 लिक्विड्स विच वेन टेस्टेड इन अ टेस्टर इन द मैनर, ये इस पिक्चर के हिसाब से अगर हमने टेस्ट किया, विच मे कॉज, यानी कि वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा भी थोड़ा भी, तो क्या लिया जाए यहाँ पर कि वो डिफ्लेक्शन कॉज करे। कुछ ऐसे लिक्विड्स भी ले सकते हैं जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, और कुछ अगर एक आधा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी बट स्लाइट डिफ्लेक्शंस होंगे। सो आइए देखते हैं, नेम द लिक्विड्स। सॉल्ट वाटर, बिल्कुल हमने तो सही चूज किया है सॉल्ट वाटर। हमें पता है सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है ये कनेक्टेड है इससे, एंड देन कनेक्टिंग वायर से सोल्यूशन से कनेक्टेड है, तो सर्किट कंप्लीट होगा, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेमन जूस अगेन हमें पता है इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफ्लेक्शन होगा। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर, बट हाँ स्लाइट डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल विल बी देयर। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और इसी की वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस सेटअप, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस। यहाँ पे जो है ये लिक्विड जो लिया है इसके लेने की वजह से हो सकता है बल्ब ना ग्लो करे, क्योंकि हो सकता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना, तो अगर ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो ये बल्ब
हो सकता है थोड़ा सा ही ग्लो करे, इतना कम करंट जाए कि ये थोड़ा भी ना ग्लो कर पाए. तो फीबल करंट यानी दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मे बी द रीजन. और मे बी हमने स्विच ही ऑन ना किया हो, मे बी कि सर्किट कंप्लीट ही ना हो. अगर ये गुड कंडक्टर भी है तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं. मे बी कनेक्शंस लूज हो वायर के और बैटरी के बीच के कनेक्शंस, मे बी इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी की वजह से ये जो है सर्किट कंप्लीट ना हो, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, या फिर पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो बहुत ही कम करंट जा रहा हो जिससे बल्ब ग्लो ना कर पा रहा हो. तो आई होप दीज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर क्लियर टू यू. अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टू लिक्विड्स ए एंड बी. इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए. अब अगर लिक्विड ए के लिए ब्राइटली ग्लो कर रहा है और लिक्विड बी के लिए बहुत डिमली ग्लो कर रहा है, तो ये तो पक्की बात हो गई कि ए इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी इज अ पुअर कंडक्टर. तो लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन लिक्विड बी. बिल्कुल यही तो बात है, लिक्विड अच्छा कंडक्टर है इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है. तो बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज डिस्कार्ड हो गए. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया. डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट व्हाट कैन बी डन टू मेक इट कंडक्टिंग? भाई हमें पता है प्योर वाटर में आयंस ही नहीं होते हैं, आयंस नहीं होंगे, सॉल्ट्स नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? उसमें सॉल्ट डाल दो. कैसे सॉल्ट डालोगे? डिजॉल्व अ स्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो आपके घर में नमक है, दैट इज सॉल्ट ऑफ कोर्स. तो उसको अगर डिजॉल्व कर दोगे तो क्या होगा? सॉल्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि सॉल्ट्स किस में ब्रेक हो जाते हैं? आयंस में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In case of fire, before the firemen use water hoses, they shut the main electrical supply for that area. Explain why. तो जो fire hoses होते हैं यानी लंबी लंबी जो उनके पास ऐसे structures होते हैं जिनसे कि water बाहर आता है continuously, उनको hoses बोलते हैं. तो वो hoses को use करने से पहले वो इलेक्ट्रिक का जो मेन मीटर होता है उसको शट क्यों कर देते हैं? मतलब ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर एकदम कट हो जाए, ऐसा क्यों करते होंगे वो? क्योंकि हमें पता है कि जो वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आयंस होते हैं, वो टैप वाटर होता है. तो अगर उसमें आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. तो अगर बाई चांस कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई अप्लायंस से वो टच हो गए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, तो क्या होगा? इससे जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उनको भी और जो लोग हैं आसपास के एरिया में उनको भी. इसलिए वो क्या करते हैं, वो सप्लाई पावर जो है पावर सप्लाई कट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को बचा सके. सो दिस इज बिकॉज द वाटर मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर वो स्प्रे कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से टच में आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है. अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो सी वाटर विद हिज टेस्टर. तो हम टेस्टर तो देख चुके हैं कि क्या होता है. ही फाइंड्स कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर. तो सी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर में क्या डिफरेंस होता है? भाई हमें पता है ना, सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में इतने सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते. वो तो बहुत सारे तरीके से प्योरीफाई होके हम तक आता है, और हम तो घर में भी आरओ प्योरीफायर्स यूज़ करते हैं, तो वो और ज़्यादा उसे प्योरीफाई कर देता है, सॉल्ट्स को हटा देता है जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. बट सी वाटर में तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, जितने ज़्यादा सॉल्ट्स उतना ही ज़्यादा बेटर कंडक्टिंग होगा आपका लिक्विड. तो देयरफॉर सी वाटर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन योर water which you use at home for drinking. तो I hope ये आपको समझ आ गया होगा. Because of amount of dissolved salts is more in seawater. Is it safe for an electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? Heavy downpour मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होने पे क्या बाहर बारिश वाले एरिया में
क्या इलेक्ट्रिशियन को वर्क करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ, क्या कुछ रिपेयर करना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता है कि रेन वाटर में भी बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स हो सकते हैं और वो सॉल्ट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और अगर वो पानी वाले हाथों से या जब जो आपका रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन आया जब उनके कपड़े गीले होंगे व्हेन ही विल बी वेट, और अगर उन वेट हाथों से वो उन अप्लायंसेस को टच करेंगे तो उनको शॉक लग सकता है। तो इसीलिए बारिश के दिनों में हैवी जब रेनफॉल हो तो बाहर के एरिया में जहाँ पर वेट रहता है इधर द फ्लोर और द इलेक्ट्रिशियन इज वेट, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए, वहाँ पर रिपेयर का काम नहीं करना चाहिए टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that compass needle showed deflection. Why? क्योंकि हमें पता है रेन वाटर में भी कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, तो रेन वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्ट्स होते हैं, थोड़े कम, सी वाटर से तो काफ़ी कम, बट होते तो हैं। तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर फोर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो भाई कोल्ड ड्रिंक की जो कैंस होती है उनके ऊपर टिन की कोटिंग होती है, जो हमारे कार के पार्ट्स होते हैं बाइसाइकिल के हैंडल्स होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, उन्हें हम क्रोम प्लेटेड बोलते हैं। हम ज्वेलरी को जो है किससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, सिल्वर या कॉपर से, ताकि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकें। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आयरन को हमें रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम गैल्वनाइजेशन करते हैं जिसमें हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं दरवाज़ों पे, विंडो पेन्स पे। तो आई होप दिस इज क्लियर। द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 4.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट। Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? तो जब हमने ये सेटअप पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि एक कॉपर की प्लेट यहाँ थी और दूसरी कॉपर की प्लेट यहाँ थी, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ी थी और एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ी थी। ऑल दो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेल ही डिपिक्ट किया है, बट हमें पता है यहाँ पर हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सल्यूशन, और कॉपर सल्फेट मैं आपको बता चुकी हूँ कॉपर 2+ आयंस का बना है, और कॉपर 2+ आयंस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसीलिए वो सॉल्यूशन से जाकर यहाँ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है यहाँ से कॉपर जो है यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, तो ये रॉड पतला होता जाएगा, ये रॉड मोटा होता जाएगा। तो क्या लिया जाए यहाँ और क्या लिया जाए यहाँ? हमें तो चाहिए प्योर कॉपर, तो यहाँ पर हमने एक मोटी सी स्ट्रिप ले ली इम्प्योर कॉपर की और यहाँ पर पतली सी स्ट्रिप ली प्योर कॉपर की, ताकि यहाँ से जो कॉपर है जब वो यहाँ सॉल्यूशन से यहाँ डिपॉजिट हो, और यहाँ से जो कॉपर है जो ओनली प्योर कॉपर है वो फिर से सॉल्यूशन में और फिर सॉल्यूशन से यहाँ डिपॉजिट हो जाए, और इससे क्या होगा ये इम्प्योर कॉपर की मोटी सी स्ट्रिप पतली होती जाएगी और ये प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप जो हमने ली थी उस पर और प्योर प्योर कॉपर आकर डिपॉजिट होता जाएगा, वो मोटी हो जाएगी। सो कौन सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप होनी चाहिए? जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। सो द नेगेटिव द प्योर शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द इम्प्योर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो Cu2+ आयंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस NCERT के आपको क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 8 साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी। टिल देन थैंक यू।